जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हुए हैं और आप लोगों ने इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि DDO हो चाहे CUET हो, टारगेट गुरुकुल के काफ़ी अच्छे यानी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए हैं। अब हमारी हुंकार सीरीज है जो हमने स्पेशली स्टार्ट की है LU के लिए, तो जितने भी हमारे LU के साथी हैं वो लोग इस सीरीज का भरपूर लाभ उठाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है उस पर आप पूछेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने जो हमारा ऐप है अगर उसको डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी जो PDF होंगी वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। हो सकता है किसी ने ये पहले क्वेश्चन पढ़ लिए हों, लेकिन इसमें आज कुछ नया बताया जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अंदर किया गया, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, आर्टिकल 368, आर्टिकल 356, अनुच्छेद या फिर 352। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, चर्चा एक एक पर विशेष करके। आर्टिकल 370 में आप लोगों ने सुना होगा कश्मीर को एक विशेष संविधान का दर्जा प्राप्त था, कश्मीर जो कि हटा दिया गया है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझे बताएंगे किस संविधान संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 370 था कश्मीर से हटा दिया गया है। आर्टिकल 356 की बात करें तो आपकी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी तीन प्रकार की है, तीन प्रकार की इमरजेंसी की बात करें 352, 356 और 360। 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 356 में आपकी प्रेसिडेंटल इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन है और 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी है। तो अब आपके तीनों ऑप्शन हट जाते हैं तो उस हिसाब से आपका एलिमिनेशन मेथड के अनुसार आंसर आता है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें आप लोगों को बता दें कि दोनों हाउस यानी दोनों सदनों से बिल को पास होना जरूरी है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास किया जाता है। दोनों हाउसों में आपका नाम राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि दो तिहाई बहुमत के साथ बिल पास हो। बताइए इस प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न की ओर चलें। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। लेख जारी मतलब कि रिट जारी। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार की जारी करता है? रिट आपकी 5 प्रकार की जारी होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है आपकी? उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार पूछा। मैंने आपको बताया था हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरिटरी एंड प्रोहिबिशन, ये सारी रिट इसके तहत जारी की जाती हैं और आप लोगों को एक एक रिट के बारे में मैंने अच्छे तरीके से काफ़ी बताया है। जैसे आपकी हैबियस कॉर्पस है तो उसमें पूछा जाता है, सेरिटरी में आपको सर्टिफाइड किया जाता है अगर किसी गवर्नमेंट मतलब किसी कोर्ट ने आपको केस में हरा दिया या मतलब आप मान लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि साहब, तो वो सेरिटरी को द्वारा से केस को ओपन किया जा सकता है। प्रोहिबिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर दबाव डाल सकता है कि इस केस को हम हैंडल करेंगे, आप लोग छोड़ दीजिए, ये उसके बाद आता है, ठीक है। मैंडेमस में आप लोगों को बताइए, हैबियस कॉर्पस में ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया तो 24 घंटे के अंदर उसे कहाँ पेश किया जाए, सुप्रीम वो मतलब कोर्ट के सामने पेश किया जाए, तो इसका सही उत्तर होगा परामदेश, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस अथॉरिटी के साथ आप लोग इस पद पर बैठे हैं और इस पद का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, रेट वाला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अमेरिका से ली गई? बात की जा रही है कि अमेरिका से कौन सी विशेषताएं ली गई। चार ऑप्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद और संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली की बात करें तो ब्रिटेन से ली गई है, सॉरी ब्रिटेन से ली गई, ठीक है। और आपकी एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देंगे। और इसका सही उत्तर उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है आपका, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया, हम लोगों ने लिया है तो वो लिया है हमने अमेरिका से। साथियों, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है DPSP कहाँ से ली, फंडामेंटल राइट कहाँ से ली, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली, ठीक है। ये चारों चीज़ों वो तीनों चीज़ों के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। भारतीय संविधान की परिसंघात्मक संविधान किसने कहा है? परिसंघात्मक संविधान मतलब
क्या होगा, क्या होगा प्रसंगात्मक? ये किसने कहा है? केसी व्हीलर, आइवन जेसिस, वीआर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। इसमें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताएं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वीडियो आ चुका है। पर संघात्मक संविधान किसे कहा जाता है? तो शायद आप लोगों ने सभी ने आंसर लगा दिया, तो इसका सही उत्तर होगा वीआर अंबेडकर। वीआर अंबेडकर जी ने इसे प्रसंघात्मक संविधान कहा है। प्रसंघात्मक संविधान का मतलब होता है जिसमें स्टेट भी अपना फैसला सुना सकती है कभी कभी, और किसी किसी में आपका जो सेंट्रल है वो भी देता है, ठीक है। या फिर सीधा बात कहें कि इसमें सेंट्रल आपका सबसे मेन पावरफुल होता है। संविधान सभा के गठन के विचार सर्वप्रथम किसने रखा? मैंने आप लोगों को जब अभी पहली क्लास लिया था लाइव में, उसमें आपको बताया था कि जो M.N. रॉय थे, M.N. रॉय ने बात की कि संविधान सभा बनाई है 1935 में। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय की तो पता ही आपको मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय साइमन गोबैक वाले केस में 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष बने, ये भी याद रखना। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप याद रखते हैं, फर्स्ट PM हैं, ठीक है। साथ ही इनके नारे याद रख लेना आप लोग, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। संविधान की थोड़ी सी बात कर लें, यहाँ पर जब नाम राजेंद्र प्रसाद का आया तो ये स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 9 दिसंबर को जो मीटिंग पहली होती है उसमें आपके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं H.C. सिन्हा जी बनाए जाते हैं 9 दिसंबर को। एडल्ट फ्रेंच, मतलब क्या कहते हैं, फ्रेंच जो सिस्टम था उसके आधार पर, ठीक है, तो याद रखना। भारत के संविधान में विदाई प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ हमने जहाँ जहाँ से बोरो की है उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। विदाई प्रक्रिया हमने लिए ब्रिटेन से। अगर साथियों आपको ये इंग्लिश में भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश माध्यम के भी प्रश्न हैं, लेकिन कुछ साथियों का कहना था कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन ज़्यादा कराएं। तो उस मेजॉरिटी के आधार पर हम लोग हिंदी में प्रश्न लाएँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए तो बता देना। ये PDF आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे हमारे जो ऐप है टारगेट गुरुकुल, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? भाई एक ही चीज़ है, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है, ये तो सही है। दुष्यता विधान, ये तो आपको बताइए, राज्यसभा लोकसभा दोनों है इसमें। एकीकृत न्यायपालिका भी है, जुडिशरी है इसमें, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं इसमें नहीं आती, ठीक है। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों का हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए, क्या 1935 के अधिनियम को कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, 44वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, और 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रश्न एक बात सुन लीजिए, जो इस प्रश्न का सही तरीके से उत्तर देगा उसका नाम कल वाली वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन लिख लीजिए 1976 में हुआ है, और 1976 में आपकी प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जाता है, और यहीं से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है। एक प्रश्न 44वें संविधान संशोधन राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जाता है, और 1978 में हुआ था, ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए। और 1935 वाले को तो आपको पता ही है कि इसमें से एक तिहाई हिस्सा पूरा, जो मतलब 33% से ज़्यादा, इसी से लिया गया भारतीय संविधान के अंदर। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, विधायिका की विपक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति। तो ये सारी ही चीज़ें भारतीय संविधान मतलब संसदीय प्रणाली में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, बहुमत दल वाले सत्ता, ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे अगस्त तौर पर 1940 को तैयार किया था जिसने भारतीय को संविधान का निरूपण करने के लिए प्रतिनिधि निकाय की स्थापना करने का सुझाव दिया? ये प्रश्न आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 1940 में कौन था। 1940 में जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन आपके आए 1946-47 में, इनके ही माउंटबेटन प्लान के तहत ही हम लोग आज़ाद हुए थे। एक चीज़ याद करिए, लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन ने क्या क्या किया था? लॉर्ड लिंगलिथगो, ये है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिंगलिथगो। देखो आप लोग एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना सीख लें, किसी भी तरीके की आपको समस्या हो तो मैं आपको यहाँ पर अपना जो टेलीग्राम है वहाँ पर बता देता हूँ। टारगेट गुरुकुल जो हमारा टेलीग्राम है उसका एक टारगेट गुरुकुल सपोर्ट के नाम से एक और भी चैनल है,
दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाया करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की राज्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? भाई क्या राज्य की कार्यपालिका, सॉरी राज्य की कार्यपालिका मतलब स्टेट की बात आ गई। सेंट्रल में जब आपकी बात करें तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, तो राज्यपाल के पास राज्य में होती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आप लोगों का काम क्या है कि मुझे दोनों की एज बताएंगे कि मिनिमम एज क्या होती है, ठीक है, दोनों की, राष्ट्रपति और राज्यपाल। साथ ही आप लोग ग्राम पंचायत के प्रधान होने की या सरपंच होने की भी उम्र बताएंगे। जो प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, ये आपको बताइए। पिछली बार भी हम यही करते थे, इस बार भी यही करने वाले हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने का आपको पता है इम्पीचमेंट लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट लगाया जाता है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्य सरकार का, ठीक है, सॉरी भारत नहीं राज्य सरकार, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, या तो फिर होगा और राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। एक चीज़ और बताएंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की नहीं, यूपी की। सरोजिनी नायडू के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। भारत कोकिला और स्वर कोकिला में अंतर है, दोनों चीज़ें याद रखना। स्वर कोकिला की बात करें लता मंगेशकर, और कोकिला की बात करें सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल की, ठीक है। आपको बता दूं राज्यपाल राज्य की मेन अथॉरिटी होता है, ये सारी चीज़ों का निर्णय यही लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति का जब शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ही इसका सारी चीज़ें देख रेख करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकारें जो होती हैं वो गिर जाती हैं। राज्यपाल के पद नियुक्ति की आयु कितनी? 35 वर्ष। लेकिन आप लोग याद रखना, जो चीज़ मैंने पूछी है उसका उत्तर आप लोगों को भी देना है, अगर मैंने आंसर दे दिया गलती से। तो ये एक पूरा चार्ट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि इस यहाँ से प्रश्न 2 से 3 जरूर आए। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है और त्यागपत्र कौन लेता है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल। एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना त्यागपत्र अपने से छोटे पद वालों को देता है, बाकी सारे लोग अपने त्यागपत्र को बड़े लोगों को देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, उन प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे देंगे। ये पहला वीडियो था करीबन 20 क्वेश्चन के लिए। 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने जब देखा तो इसमें PYQ भी हैं और प्लस आपके MCQ भी हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर इस वीडियो पर आप 50+ लाइक करेंगे तो ही कल वाला वीडियो आएगा, ये भी याद रखिए। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जितने पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर भी आप लोगों को देना होगा। आप लोगों के लिए हम खड़े हैं, तो आप लोगों को हमारे साथ आना होगा। दोनों मेहनत करेंगे, रैंक आपकी होगी और नाम हमारा होगा, ठीक है। रैंक आपको लाना है 1 से 10 के बीच में, तो 1 से 10 के बीच में रैंक लाने के लिए आपको डेली वीडियोज़ देखना पड़ेगा। 3 बजे जुड़ना ना भूलें पॉलिटिकल साइंस की क्लास से, और हमारे साथ हर संडे आपको लाइव क्लास दी जाएगी जिसमें आप डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाएगा आपका, जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अदरवाइज आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टीम रोहित तोमर के नाम से। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।